के पूरे प्रदेश के बारे में क्या बताऊं। आजमगढ़ की सीट हम लोग निकाले हैं, पूर्वांचल की निकली है। उत्तर प्रदेश में तो हम जनता ने जो फैसला दिया है सबको स्वीकार है। अब आजमगढ़ में हम अपने क्षेत्रवासियों को, हमारे जो विधानसभा के हैं, जिले वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। आपने हमें मौका दिया तो जिस तरह से हम ईमानदारी से और मजबूती से जनता की सेवा करते हैं, उसी तरह से हम करने का काम करेंगे। आजमगढ़ को गढ़ कहा जाता था, ये भी साबित हुआ। तो आजमगढ़ गढ़ तो मैं पहले भी कहा था कि हम लोग 10 सीटें निकलेंगे, और 10 सीटें निकाल के हमने दिखाने का काम किया। एक विधायक के रूप में भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उसका भी निर्णय भाई। देखिए, विधायक जनता का प्रतिनिधि है। सरकार बनती है तो बड़ी योजनाएं आती है। अब विपक्ष में रहता था, आवाज उठाता है। आज जो विकास की बात रहती है उसको आवाज उठा करके उसको कोशिश करता है कि हम कराने का काम करें। हमारा प्रयास बराबर रहा है, इसलिए हमारा प्रयास बराबर जारी भी रहे।